हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो इसके पहले मैंने आइगन वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया। आइगन वैल्यूज़ का दो टाइप का जो सम्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी खास करके, तो वो दोनों कवर कर दिया। मतलब वो कर लिए तो ये इजी लगने वाला है। बट मैं एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे से चीटिंग मत करो। पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये तुमको इजी लगेगा। मतलब ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग डायरेक्टली आके कैली हैमिल्टन पे जंप कर रहे हो और वो वीडियो देखे नहीं और आके इधर पूछ रहे हो कि सर ये कहाँ से है, तो फिर मैं बार बार कैसे रिपीट करूँ। तुम लोगों को नहीं पता होता कि मैं हर एक वीडियो में अपने आप को कितना कंट्रोल करता हूँ वापस, क्योंकि उस बार अगर यही वीडियो मैं वापस शूट करूंगा वही एक टॉपिक लेके, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। वैसे ही बड़ा बनता है, जिसकी वजह से सब समझो क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है बड़ा वीडियो बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या हमारा? कैली हैमिल्टन। कैली हैमिल्टन क्या होता है पहले क्लियर रख लो। जिस तरह हम लोग को एक इक्वेशन दिया, बहुत बड़ा इक्वेशन दिया है, समझो यहाँ पर अगर तुमने बचपन में कहीं पर ए रेस टू, मैंने बोला फोर मैट्रिक्स है क्या, तो तुम क्या करोगे, ए का जो एलिमेंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे ए से, समझ रहा है? थ्री आया चार बार या आया पांच बार, ये समझ रहा है मैंने क्या बोला? मतलब मैट्रिक्स चार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना क्लियर रख लो। मतलब ए रेस टू फोर निकालना है तो ये करो। कैल्सियम में तो डायरेक्टली होता है मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए। हाँ, लेकिन क्या होता मालूम है हम लोग, क्या होगा यहाँ पर क्लियर रखो, कैली हैमिल्टन बोलता क्या है? कैली हैमिल्टन ये बोलता है अगर बहुत बड़ा इक्वेशन दिया ना, जैसे ये ए रेस टू फोर दिया तू तो कर लेगा, लेकिन अगर मैंने तेरे को बोल दिया जैसे कि ये वाला इक्वेशन देख लो, मैंने बोला ये सॉल्व करके दे, तुम लोग कुछ नहीं बोल के इसको आधा से आधा घंटा या 15 मिनट लगाओगे अगर ओरली करो। यहाँ पर ए रेस टू 8 -5 ए रेस टू 7, यहाँ पर 7 रेस टू 6, समझ रहे मेरा बोलने का मतलब? ए रेस टू 8 मतलब क्या होता है, ए को कितने बार करना है मल्टीप्लाई बाय, समझ रहा है? ऐसा ऐसा कर करके ऐसा डब्बा बनाने का और मल्टीप्लाई करना है इसको इसको इसके साथ, समझ रहा है? इतना क्लियर रख लो, बहुत टफ होने वाला है। तो कैली हैमिल्टन अच्छा बंदा था, उसने बोला क्या इतना गधा मजदूरी कर रहा है, मैं करता हूं ना काम, तेरा इजी काम करता हूं, समझ रहा है? उसने कैसा बोला कि ये जो बड़ा इक्वेशन है ना मैं इसको छोटा करके देता हूं, अगर तेरे को इतना इक्वेशन सॉल्व करने बोला टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये दोनों को इक्वेशन सॉल्व करने बोला तो टाइम नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, एग्री करता? तो टाइम बचाने का काम कैली हैमिल्टन कर रहा है, इतना क्लियर रख लो। अभी चलो स्टार्ट करेंगे वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ए दिया है, हेंस फाइंड ए रेस टू -1 एंड ए रेस टू 4, ऑल्सो फाइंड ए रेस टू 8। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस क्वेश्चन है। एक्चुअली ये 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क्स के लिए क्या होता मालूम है, ये देगा और ये देगा, या फिर ये देगा ये देगा। मैंने क्या किया, एक ही सम में सब कवर करता हूँ। मैंने बोला अच्छा एक चीज क्लियर रखो, वीडियो बड़ा बन गया तो टेंशन लेने का नहीं, समझ रहे? कंसेप्ट पे जाओ, तुम लोग एक ही सम में पूरा क्लियर हो जाएगा कैली हैमिल्टन क्या होता है। ये वीडियो गेट के लिए भी बहुत यूज है। अभी कल के परसों के दिन पेपर आया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, उसमें कैली हैमिल्टन का एक सम आया था, समझ रहा है? ये कंसेप्ट पे फोकस करो तुम लोग, क्लियर हो रहा है? नाउ स्टार्ट। व्हाट ये क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ? अरे तीन वीडियो कवर कर लिया यार, अभी चीटिंग मत करो मेरे साथ। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हो गया, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इक्वल टू क्या था, जीरो था। तो यही हम लोग को प्रूव करने को क्या बोलता है, कैरेक्टर कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ स्टेटमेंट बोला कि कभी कभी एग्जाम में आ गया स्टेट करके दे तो बोलने का एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर रेक्टेंगल बोला क्या, नहीं ट्राइंगल बोला क्या, होता ही नहीं है, समझ रहा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करता है, अपने आपका सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वी आर नोन दैट, अभी पता है अपने को। चलो उससे पहले क्या होता है मालूम है, मुझे सिर्फ ये बताना कि तुम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये कैलसी है, मुझे लगता है हो गई, 900 रुपये खर्च किया है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है मैट ए, अगर यहाँ पर कैल्सी में सॉल्व करना है तो हो जाता है, इजीली हो जाता है, समझ रहे? चलो यहाँ पर स्टेप्स याद रखना, तुम्हारे ये कैल्सी है, इसमें मोड जाने का जैसा दिखता है ये, अभी यहाँ पर तुमको दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पर स्टेप लिखा है, मोड जाओ 6 लिखा है, 6 में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में दिखता है मैट ए मैट बी, तुम्हारे कैल्सी में देखना क्या ये चीज। स्टार्ट कर रहे हो तो नोट्स बनाने का खुद का, तो एक काम करने का पहले बुक पेन और कैल्सी लेके रखने का, ताकि इजीली हम लोग के साथ तुम लोग का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए। नाउ 6 मैट्रिक्स लिखा, नाउ व्हाट, 1 एक प्रेस करना है, उसमें 3x3 दिखेगा, बहुत सारे डायमेंशन दिखेंगे तुम लोग को कैल्सी में, 3x3 3x2 एंड 3x1 2x3 समथिंग। तुम लोग को क्या चाहिए 3x3 का, ये दिखता है, इसका डायमेंशन क्या होता है मालूम है, 3 रो है 3 कॉलम है, बस। ये चीटिंग मत करो कि तुम लोग ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा डायरेक्टली इधर जंप किया। नाउ 3x3 यहाँ पर क्या करता है, डेटा फीड करना पड़ता है, डेटा फीड करना मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर डेटा फीड मतलब क्या होता है, ये दिखता है वाला वैल्यू डालने का, 2 डाला इज इक्वल टू दबाओगे तो तुम्हारा एरो इधर जाता है, फिर 1 दबाने का, फिर से 1 दबाओ, फिर 0 दबाओ, 1 दबाओ 0, 1 1 2
इतना क्लियर होता है, इसके बाद बाहर नहीं आने का। इसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे डेटा फीड किया शिफ्ट आरसीएल, शिफ्ट आरसीएल का बटन देखने का। शिफ्ट आरसीएल इज व्हाट, यहाँ पर अगर दिख रहा है तो यहाँ पर ध्यान देना, शिफ्ट आरसीएल यहाँ पर, ये शिफ्ट, ये आरसीएल, शिफ्ट आरसीएल, आरसीएल के ऊपर देखेगा तो एस टी ओ लिखा है, मीन्स व्हाट, स्टोर। तो शिफ्ट आरसीएल जैसे दबाना शिफ्ट आरसीएल, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऑन दबा दिया, अब मतलब तुम लोग ये नहीं सोचने का कि डेटा उड़ गया। इसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट आरसीएल के ऊपर तुम लोग अगर देखोगे ना, तो जैसे प्रेस किया वैसे एस टी ओ लिखता है, स्टोर, स्टोर, एस टी ओ मतलब होता है स्टोर। इतना क्लियर होता है, एक बार यहां तक क्लियर हुआ, एक बार अपने आप से रिपीट करो, क्या मैंने बोला, मोड दबाया सिक्स मैट्रिक्स आएगा, मतलब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स मोड में गया, वन दबाने का जिसमें वेट करने का हो, यहाँ पर ए, तो नॉर्मली हम लोग ए लेते, ए डायमेंशन डाल, डेटा फीड कर, शिफ्ट आरसीएल से स्टोर होएगा, फिर यहाँ पर क्या तेरे को मालूम पड़ा कि ए के अंदर स्टोर हो गया, क्या स्टोर हुआ ये, इतना क्लियर होना चाहिए। नाउ अगेन मैं तुम लोग को बोलता हूँ, यहाँ तक हर बार कॉमन ही रहेगा, क्या सिमिलरली मैं दूसरा मैट्रिक्स स्टोर कर सकता हूँ, देखो तुम्हारे ख्याल से में मैट बी भी है, मैट सी भी है, हाँ या ना, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब भी, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखेंगे, इतना क्लियर हुआ मैट में, अच्छा देखना है मुझे कि स्टोर हुआ या नहीं, तो क्या करने का मालूम है, शिफ्ट फोर दबाओ, मैट ए के पास क्लिक करो, समझा मैंने क्या बोला, यहाँ पर अगर सी अपने को डेटा देखने का, सी डेटा, यहाँ पर शिफ्ट फोर दबाने का, सब गेम आ गया ना, शिफ्ट फोर, और क्या देखने का कि मैट ए प्रेस करो, मैट ए, तो तुमको क्या मालूम पड़ेगा, मैट ए जैसे प्रेस किया तो तुमको सेम टू सेम डेटा दिखेगा, समझता है, वापस ऑन दबा दो, क्लियर हो, मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्लियर रख लो कि इसके बाद जो भी गेम है शिफ्ट फोर का, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, उसके बाद गेम किसका है, शिफ्ट फोर का, ना शिफ्ट फोर मतलब शिफ्ट प्लस फोर, हाँ क्या प्लस मतलब, इसके बाद वापस प्लस दबा के फोर नहीं दबाना, शिफ्ट के बाद फोर, इतना क्लियर रहो। नाउ अगर तेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि मैं इसके लिए अलग वीडियो बना रहा था, मैं बोला कि इसी में कवर कर देता हूँ, चलो अगर तुमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैंने कैसे बोला, शिफ्ट फोर का ही गेम है, तो शिफ्ट फोर दबाओ, शिफ्ट फोर, अभी शिफ्ट फोर में सातवें नंबर पर देखोगे तो डीईटी, डीईटी मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट, तो सातवां बटन दबाया, किसका डिटरमिनेंट लिया, देखो इसका बटन दबाया ना, तो तुमको डीईटी ऐसा डब्बा दिखता है, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, मैट ए या मैट बी, बोलो अपने मन से, हम लोग किसका मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट ए का, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए मतलब कौन सा आएगा, मैट्रिक्स ए, शिफ्ट फोर दबा के आ गया, ये दिखता है ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, तुम लोग को ऐसा आएगा, इसके बाद शिफ्ट फोर दबाओगे तो तुमको क्या दिखता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट के अंदर तुम लोग मैट ए प्रेस करो, देखो अपने आप मालूम पड़ेगा, कैलसी रहेगा तो हाथ में, यहाँ पर क्लियर रखने का, सिर्फ फोर दबा के मैट ए, नाउ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दबाओगे तो तुमको डी मिलता है, डी मतलब वो डिटरमिनेंट मिल गया, जो हम लोग अभी तक तीनों वीडियो में हम लोग ओरली कर रहे थे, मतलब ऑन पेपर मैनुअली कर रहे थे, वो अभी तुम लोग को कैलसी के थ्रू करना, क्योंकि आगे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इतना क्लियर रख लो। तो मैंने अभी तक तुमको स्टेप्स बता दिया, डिटरमिनेंट कैसे निकालते कैलसी में, वो भी याद रखने का, कल के दिन अगर मैंने बोला कि ए स्क्वायर निकाल के दे तो तू क्या करने का, मैं बताता हूँ, तुमने मैट ए के अंदर स्टोर करके रखा है ना, मैट ए के अंदर, तो यहाँ पर शिफ्ट फोर दबाने का, मैट ए में गया, मल्टीप्लाई में शिफ्ट फोर दबाने का, मैट ए में जाने का, ए इंटू ए, समझता है, अगर मैंने ये क्लियर रखने का, समझ रहे क्या बोला, शिफ्ट फोर का ही गेम है, अगर मैंने कल के दिन तुम लोग को ए रेस टू एट बोला तो क्या करेगा, मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए, ऐसा आठ बार कर और इज इक्वल टू दबा, तो तेरे को ए रेस टू एट का मिलता है, समझ रहा है, इतना क्लियर रखने का, ये क्या मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तुम लोग को समझो, नाउ यू आर इन इंजीनियरिंग फील्ड, तो तुमको कैलसी के थ्रू करो, मुझे मालूम है तुम लोग 2+2 भी कैलसी में करते हैं, हाँ मुझे भी पता, मैं भी इंजीनियर हूँ, समझ रहे, इतना क्लियर रखा, हम लोग का डिमांड ही ऐसा है कि हम लोग सब कुछ कैलसी में करते हैं, लेकिन वो इस कैलसी नहीं हम लोग का मैथ्स बिगाड़ दिया, ये क्लियर रख लेना, उस कैलसी नहीं हम लोग का मैथ्स बिगाड़ा, तो ये तो ठीक है, मैंने इसका मैनुअली भी बता दिया, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट कैसा निकालने का कैलसी में, नाउ और क्या बोला कि मैट ए इंटू मैट ए, अगर ए रेस टू थ्री दिया तो क्या करोगे, मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए, नाउ एग्जैक्टली एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, कैली हैमिल्टन समझने का कैसे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी में लिख के आता वेरीफाई कैली हैमिल्टन, बट जब तुम हायर स्टडीज में जाते हो तो कैली हैमिल्टन कहीं पर लिख कर नहीं आता है, इतना क्लियर रख लो, बताऊंगा धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, ना डायरेक्टली स्टेप्स से जंप करता हूं मैं, वीडियो बढ़ाना मत जाए इसलिए मैं डायरेक्टली स्टेप्स से, अदरवाइज मैं फिर से इसमें डिटेल में घुस जाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ना स्टेप्स ये रहेगा कि सबसे पहले तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के दोगे, प्रीवियस वाला वीडियो देखा तो वो आना चाहिए अभी, कैसे निकाला मैंने वो भी क्लियर रख लो, ना सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, रिप्लेस लैम्बडा बाय ए, थर्ड स्टेप में तुम लोग देखने का कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन किस टाइप का है ये समझेगा, क्वेश्चन हमेशा तीन टाइप के आते हैं, ए के पावर में माइनस एन, मतलब माइनस एन समझते ना, 1 2 3 4 5, ए रेस टू एन 1 2 3 4, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरा क्या है इक्वेशन, फिलहाल के लिए तुम लोग को इतना याद रखना है, वापस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल पावर को छेड़खानी करना है, मेरा वर्ड यूज करो, स्मॉल पावर से छेड़खानी करना है, पॉजिटिव पावर है तो बड़े पावर से छेड़खानी करना है,
इक्वेशन दिया रहेगा तो लॉन्ग डिवीजन यूज करने का, ये सिर्फ इतना याद रखो कैली हैमिल्टन का, क्योंकि एक ही सम लेने वाला, उस पर पूरा क्लियर करने वाला। तो एक बार मेरे साथ बोलो कैसा क्वेश्चन आने का। सबसे पहले क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेकंड स्टेप रिप्लेस ए रैंडम बाय व्हाट ए, थर्ड स्टेप में क्या आएगा क्वेश्चन देखने का कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। ए के पावर में पॉजिटिव पावर है तो बड़े नंबर से खेलने का है तेरे को, ए के पावर में नेगेटिव नंबर है तो छोटे नंबर से खेलना है, तीसरा अगर इक्वेशन आता है तो लॉन्ग डिवीजन मैटर करना है। बरोबर है, इतना समझता है ये क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने तीनों टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिए, समझ रहे, एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया। तो यहाँ पर अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे अपना कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। तो हम लोग का स्टेप वन चालू करते हैं। स्टेप वन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, एग्री कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो थोड़ा एक बार मेरे प्रीवियस वाला वीडियो देखा है तो यहाँ पर एक बार रिपीट करो ना, कैसे मैं बोलता था, लैम्डा क्यूब लैम्डा रेस्ट टू स्क्वायर, यहाँ पर लैम्डा रेस्ट टू वन लैम्डा रेस्ट टू जीरो। वो लैम्डा रेस्ट टू जीरो नहीं बोलेगा तो चलेगा, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट टू जीरो इज व्हाट वन। नाउ पहले को स्किप कर, दूसरे को सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, तीसरे को सम ऑफ माइनर ऑफ डायगनल एलिमेंट, चौथा वाला क्या था डिटरमिनेंट। नाउ व्हाट, साइन का सिंबल क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस, एग्री कर। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन। बोलना नहीं ये नहीं आता, क्या ऐसा चीटिंग नहीं करना मेरे साथ, बस। नाउ आगे बात करते, सम ऑफ डायगनल, यहाँ पर सम ऑफ डायगनल एलिमेंट क्या होता है, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट मतलब टू वन टू, एग्री करते हो, यहाँ पर फाइव है। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगनल एलिमेंट, माइनर ऑफ डायगनल एलिमेंट मतलब क्या होता है, डायगनल का माइनर लेना है। बट मैंने तुम लोग को बोला कि ये सब मगजमारी नहीं करने का, डायरेक्टली शॉर्टकट क्या होता है, मेरे साथ एक बार रिपीट करो, जैसा मैं स्टेटमेंट बोलूं, ऊपर का चौकोंडी नीचे का चौकोंडी चार चौकोंडी, ये मेरा स्टेटमेंट याद है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यही लिखा, समझता है, चौकोंडी मतलब चार एलिमेंट है, इसलिए मैं चौकोंडी नाम देता हूँ, इतना क्लियर रखने का। तो ये इसका क्या करता है, टू वन जा ये जीरो, वन टू जा माइनस जीरो, नाउ व्हाट फोर माइनस वन, नाउ आंसर क्या आएगा, टू प्लस फोर डेट इज नथिंग बट सेवन। नाउ इसको इक्वेशन में स्टार ना, अच्छा वन नाम देता हूँ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। इक्वेशन स्टार बिकम व्हाट, इक्वेशन स्टार में लैम्डा क्यूब को लैम्डा क्यूब, माइनस का माइनस, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट क्या मिला था फाइव, लैम्डा स्क्वेयर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगनल एलिमेंट सेवन। नाउ लैम्डा का वैल्यू एज इट इज माइनस, अभी तुम्हारे माइंड में ये डाउट आता रहेगा, सर जी ये कहाँ से मिला आपको, तो मैंने तुम लोग को अब भी निकाल के दिया था ना यार, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। मैंने बोला कि यहाँ पर अपने हम लोग इंजीनियरिंग है तो हम लोग को कैलसी अलाउड है, कैलसी क्या बीएससी वाले को भी कैलसी अलाउड है, तो तुम लोग डायरेक्टली निकालो ना, समझ रहा है। और मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में मैंने विदाउट कैलसी किया, अभी ऐसा मत बोला कि नहीं किया, समझ रहा है, विदाउट कैलसी किया। तो ये चीज तुम लोग को क्लियर होना चाहिए कि विदाउट कैलसी भी आना चाहिए, मतलब मैनुअली भी आना चाहिए और विद कैलसी भी आना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने कैलसी से यूज किया और मेरे को ओरली भी आता है, मतलब मैनुअली भी आता है, अभी तुम लोग भी बोलो आता है कि नहीं, ऐसा चीटिंग मत करना, बस। ना आगे कम ऑन, यहाँ पर स्टेप वन इज क्लियर, स्टेप टू के पास जाने का है ना। स्टेप टू क्या था, रिप्लेस लैम्डा बाय ए, एग्री करते हो ना। स्टेप टू मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फिर मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है ये स्टेप टू। स्टेप टू क्या आएगा, रिप्लेस लैम्डा बाय व्हाट ए, रिप्लेस लैम्डा बाय ए, यहाँ पर मेरे साथ बोलो, यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब माइनस फाइव ए स्क्वेयर ना प्लस सेवन ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। बरोबर है, मुझे सिर्फ ये बोलो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर तुम लोगों ने बोल रहे कि ये सही है तो मैं बोलता हूँ नहीं गलत है। तो तुम लोग अगर नहीं नोटिस कर पाए तो मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ये लैम्डा है ना मैट्रिक्स है क्या, नहीं मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट चलता है, बट जब भी मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स के साथ कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होता। फर्स्ट लेक्चर याद करने का यार, अभी ऐसा चीटिंग मत करो, बस मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, वापस उसमें नहीं घुसना चाहता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहला वाला वीडियो देखिए, सीरीज में जाओगे तो ईजी रहेगा आपको भी और मुझे भी बताने में भी। तो यहाँ पर ए क्यूब मैट्रिक्स दिखता है, मैट्रिक्स दिखता है, मैट्रिक्स दिखता है, मैट्रिक्स नहीं है तो इसको मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाने के लिए आई डालना पड़ता है, आई एग्जैक्टली, इतना क्लियर हो गया। नाउ व्हाट, ए क्यूब है माइनस फाइव ए स्क्वायर है प्लस सेवन ए माइनस थ्री आई है। नाउ स्टेप टू क्या बोलता है, वेरीफाई करना, वेरीफाई मतलब क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैंने लिख के दिया था वेरीफाई। तो वेरीफाई मतलब क्या होता है, ये चीज क्लियर रखने का, एल एच एस ले, ये ए क्यूब दिखता है तुम लोग को, यहाँ पर ये ए एलिमेंट दिखता है, अंदर भर दो इसको, टू वन वन जीरो वन ऐसा कर करके पूरा लिख दो, इतना क्लियर रख लो। यहाँ पर सेम पैटर्न, माइनस फाइव ए का स्क्वायर, कोई भी दिमाग लगा के सर एक बार लिखा क्यूब लिखेगा चलेगा क्या, नहीं मैट्रिक्स में क्यूब नाम की चीज नहीं होता है, अगर तीन करना है तो मैटे इंटू मैटे इंटू मैटे करना पड़ता है ना। अभी यहाँ पर इसका फाइव, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ, प्लस सेवन, यहाँ पर ए मतलब समझता डेटा डाल रहा हूँ बस, माइनस थ्री। नाउ सर इसका क्या सीन है, आई का मैं बात करता हूँ, आई वाला अभी लिखाओ, एल एच एस सॉल्व करो, पहले यहाँ तक तुमको क्या करना है, यहाँ तक कॉपी करो पहले आप, फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पर लिखने के लिए, ये रब करने के बाद फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो गाइस
मैंने एल एच एस लिख लिया है और तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा, एल एच एस लिखा, एल एच एस सेम टू सेम लिखा, मैंने बोला था कि याद रख कॉपी करो इसके आगे का मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने एल एच एस लिखा, रिप्लेस करने के बाद एल एच एस तुम लोग ने याद करे करे तो जीरो आता है। एल एच एस में होता क्या है, ये ए क्यू है ना, देखो अगर तुम गेट वाले एस्पिरेंट हो तो तुमको ये प्रूव नहीं करना है, एक्चुअली तुमको खुद से मालूम पड़ेगा कि ये कैली हैमिल्टन का समय, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन कभी आता कैली हैमिल्टन में आता, इतना तो क्लियर रख लो। बट वॉट अगर तुम यूनिवर्सिटी है तो ये फॉर्मेलिटी के लिए दिखाओ, फॉर्मेलिटी के लिए, तुम लोग को भी मालूम है इक्वल टू जीरो आने वाला है, समझ रहे। लास्ट में अगर इक्वल टू जीरो नहीं है इसका मतलब क्या, तो अपने आप से पूछो कि इक्वेशन रॉन्ग है, क्योंकि अगर आइगन वैल्यूज निकलते ना तो आइगन वैल्यूज का मैंने वेरिफिकेशन मेथड दे दिया है, उधर से चेक कर सकते हो। बट ये व्हाट, तुम आइगन वैल्यूज निकाल रहे नहीं हो ना यार, आइगन वैल्यूज निकाल रहा क्या? नहीं, अगर नहीं निकाल रहे तो क्या हुए है तुम लोग चेक करने का? देख सॉल्व करने के बाद देख ये आता है, जीरो आता है या नहीं, जीरो मैट्रिक्स। वेट पहले देखते हैं ए क्यूब मतलब, समझते हैं ना, एक बार वापस मेरे साथ बोलने का, यहां पर आगे माइनस ये फाई का एज इट इज ए इज वॉट, ए स्क्वेयर है क्या, ए प्लस 7a माइनस 3i, आई इज वॉट, यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलना एक बार, समझा ना, ये यूनिटरी और क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ ना तुम लोगों कि यहाँ पर यूनिटरी में तुम लोग 3x3 का ही क्यों लिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज वॉट, तुम्हारा 3x3 का है इसलिए 3x3 का लिया, अदरवाइज तुम लोग 2x2 का भी लेके चल सकते थे, बट हियर रिक्वायरमेंट क्या है, 3x3 का। ना आगे ए ए ए कैल्सियम ने तुम लोग को बताया था कैसे करने का, जो भी स्टोर करके रखा है, देखो ऑलरेडी तुम लोग ने ना स्टोर करके रखा है, अपने आप से चीटिंग मत करो, रीसेट वीसेट कैल्सियम मत मारो, पहले मेहनत करके एक कैल्सी खरीदा, उसमें मेहनत करके हम लोग ने वैल्यू डाला, अभी मेहनत से वो रीसेट मार के मेहनत पूरा गया, समझ, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, एक बार अपने आप से पूछो, शिफ्ट 4 दबा के मैट ए, मल्टीप्लाई का साइन, शिफ्ट 4 दबा के मैट ए, वापस मल्टीप्लाई का साइन दबा के, शिफ्ट 4 दबा के मैट ए। नाउ व्हाट, जैसे इक्वल टू डालेगा तो तुमको 14 13 13 0 1 0 ऐसा मिलता है, मेरा बोलने का मतलब समझ रहा है ना तुम लोग क्या बोलना चाहते हो, इतना क्लियर रख लो। मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए इसका क्या आएगा, माइनस 5, मैट ए इंटू मैट ए इसका बोल 7, ओनली मैट ए इसका क्या, माइनस 3, ये एज इट इज रखना तू, आगे मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा, इसको एज इट इज रखो, देख इसको मैंने एज इट इज रखा है, ये दोनों को मैट ए इंटू मैट ए, इधर इसको मैंने एज इट इज रखा है, ओके ये 3 को अंदर फेंक दिया, किसी को तकलीफ है कुछ इसमें ना, आगे बात करेंगे ये 5 को, मैं थोड़ा ओरली करता हूँ क्या, मेरे को थोड़ा आदत होता है कि मैं ओरली कर सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली कैल्सियम में सॉल्व होता है, ये भी बताता हूँ मैं, पहले इतना क्लियर रखने का, ये सब समझा ना, 5 को अंदर फेंकेगा तो यहाँ पर 25 20 20 ऐसा समथिंग हो जाएगा, 14 7 7 0 7 0 ये 14, इतना क्लियर होता है। नाउ व्हाट, एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फर्स्ट वीडियो रिकॉलिंग करने का भाई, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो मैट्रिक्स का डायमेंशन सब सेम होना चाहिए, कितने बाय कितने का है, 3x3, कितने बाय कितने का है, 3x3, कितने बाय कितने का है, 3x3, कितने बाय कितने का है, 3x3। तो एलिमेंट टू एलिमेंट 14 प्लस 25, अच्छा 14 माइनस 25 प्लस 14 माइनस 3 करोगे तो 0 होता है, नहीं समझता, 14 14 28 25 3 28, ये माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो गया, -28, ये हो गया +28, 0। अरे कुछ भी कर, वी आर नाउ, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे, ऐसा करके कर 13 माइनस 20 प्लस ऐसा कर करके तुम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, 0, मतलब कंपलसरी क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, कंपलसरी 0 मैट्रिक्स आएगा, कंपलसरी 0 मैट्रिक्स। अगर नहीं आया तो समझने का कि क्वेश्चन बराबर है, तुम गलत हो, समझ रहे, तुम गलत हो मतलब किधर गलत होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो एक बार चेक करने का कि भाई किधर रॉन्ग हुआ, इसको एज इट इज रखने का, सिर्फ उतने वैल्यू चेंज करने का, अदरवाइज पूरा काटाकुटी करेगा तो मेहनत बेकार हो जाएगा, इतना क्लियर रखने का। मैं बोला आइगन वैल्यूज रहेगा तो स्टेप वेरिफिकेशन होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो वेरिफिकेशन करने के लिए तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेटिस्फाई मतलब इक्वल टू जीरो आना, समझता है, ओके नहीं समझता तो देख एल एच एस और आर एच एस के तुम लोग देखो, ये तुम लोग ने लिखा था जीरो लिखा था, इसको सॉल्व किया था तो तुमको जीरो मिलना चाहिए, अभी ये क्या होता है, जीरो जीरो मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में जीरो ऐसा होता है, समझता है ना, अदरवाइज इक्वेशन के फॉर्म में तो जीरो अंडा लिखता तू, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में जीरो मतलब क्या होता है, जीरो 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 जीरो, कितने बाय कितने का चाहिए, 4 2 बाय 2 का तो 0 0 0 0, 3 बाय 3 का 0 0 0 ऐसा देता, 9 बार 0। नाउ फिलहाल के लिए हटाने का, अभी तुम लोग को यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो सर इतना बड़ा थ्योरम, नहीं यार तुम लोग को मैंने बोला एक समय कवर करूंगा इसलिए लॉन्ग लग रहा है, अदरवाइज तुम लोग को मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर तुम लोग कैल्सी देखना, कैल्सी में मैट ए के अंदर स्टोर करके रखा है, यहाँ पर एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर दो, इसको समझता है, कैल्सी में डायरेक्टली सॉल्व कर, कैल्सी में डायरेक्टली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्लियर रख लो, मैं जो बोलता हूँ वो स्टेटमेंट याद रखने का, मैट ए इंटू
मैटे इनटू मैटे, कैल्सियम डायरेक्टली होता है ना, ब्रैकेट क्लोज कर, माइनस वापस फाइ मैटे इनटू मैट ए कर, समझ रहा क्या बोल रहा, आगे बात कर, प्लस सेवन, इसका क्या मैट ए। ना इसको सॉल्व मत कर तू, मैं बोलूँ तो इसको भी सॉल्व कर सकता है अगर तेरे को आता है कि मैट्रिक्स बी में, तेरे पास मैट्रिक्स कितना स्टोर हो सकता है, ए बी सी, ए का तो काम हो गया, बी के अंदर ये स्टोर कर सकता है। सर कैसे स्टोर करेगा, मैं बात कर रहा हूँ, देख ए के अंदर स्टोर है ना, ए के अंदर टच मत कर, मैं एक काम करता हूँ इसको बी के अंदर डाल देता हूँ, चलो मैट बी, लेकिन सिर्फ तुमको ये बताने का कि मैट बी आया कहाँ से, बरोबर है, ये अलग है ना, ये तो वो सेम ही है ना, ए के अंदर तो मैट बी आया कैसे, फिर से ए के अंदर स्टोर है, मैंने बोला सिर्फ फोर का काम है, तो एक बार सिर्फ फोर दबाओ अपने मन से, सिर्फ फोर, देखो सेकंड नंबर पे डेटा दिखता रहेगा, डेटा दिखता है तो ए के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, मैट बी को पकड़, मैट बी के अंदर कितने बाय कितने का है, 3/3 का है, 3/3 का, समझता है ये, तो उसके अंदर क्या डालेगा, 1 0 0 0 1 0 0 1, समझ, शिफ्ट आर सी एल, वापस बोल शिफ्ट आर सी एल, तो स्टोर हो गया, इतना क्लियर होता है, किधर स्टोर हुआ, मैट बी में, मैट बी में मतलब क्या हो गया, मैट बी के अंदर ये स्टोर हुआ। तो अभी तू डायरेक्टली कैल्सी में कर, ये एक बार कैल्सी में डालेगा ना तो तेरे को डायरेक्टली क्या मिलेगा, ये पूरा मगजमारी नहीं होना है, डायरेक्टली तेरे को 0 × 0 का मैट्रिक्स, मतलब 0 मैट्रिक्स मिलेगा, वो समझा क्या रे सर, ये क्यों कर रहा, मैं क्या बोलता हूँ वो चीज क्लियर रख लो, यहाँ पर करने का वे क्या है, ये करने का रीजन एक ही है कि मैडम को दिखे कि तुम लोग थोड़ा मेहनत किया हो, अगर तुम लोग का मेहनत दिखा तो मैडम मार्क्स देती है, अदरवाइज बोली कि तू तो कैल्सी से कर रहा है, इवन दो उसको ये भी मालूम रहता कि तुम कैल्सी से कर रहे हो, बट इधर दिखाओ कि हमने थोड़ा मेहनत किया है, ताकि समझता है, लेकिन गेट एस्पिरेंट हो समझ रहा है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये सब मेहनत दिखा, अरे ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो वहां पर ये सब थोड़ी ना बोलता है, तुम लोगों को देख के मालूम पड़ना चाहिए कैली हैमिल्टन, कैसे मालूम पड़ेगा कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन नहीं बोलेगा, बोलेगा यहाँ पर एग्जाम में, अच्छा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए इतना कॉपी करने का तुम लोग इच्छा नहीं, अभी मेरा कैल्सी का भी काम हो गया, तो बार बार ये चीज क्लियर रख लो कि मैंने कैल्सी का भी फंडा क्लियर कर दिया, ओरली भी आता है ऑन पेपर, अभी तुम लोग ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग डायरेक्टली जो थर्ड स्टेप है, फर्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेकंड स्टेप क्या था हम लोग का, वेरीफाई करना, थर्ड क्या होएगा, क्वेश्चन देखने का कि क्या है क्या नहीं, नेगेटिव पावर का छोटा, पॉजिटिव पावर का बड़ा, और इक्वेशन आएगा तो लॉन्ग डिवीजन, पहले ये कॉपी कर लो। नाउ गाइस स्टेप 3, टू फाइंड व्हाट ए रेज टू -1, मैंने बोला धीरे धीरे, अभी तुम लोग बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैं तुम लोग से बोलता हूँ कि मैं हर एक चीज लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर रख लो, मुझे मालूम है कि तुम लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट क्लियर रख लो कि यहाँ पर एक ही समय में पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, एक ही समय मैंने अपने मन से एडिशनली डाल दिया क्वेश्चन, समझ रहा है, ये भी क्लियर रखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड व्हाट ए रेज टू -1, पहले बोलो क्वेश्चन टाइप 3 में क्या पहचाना रहता है, क्वेश्चन क्या है, ए रेज टू -n, ए रेज टू n, एंड लॉग क्वेश्चंस इक्वेशन रहेगा, तो यहाँ पर ए रेज टू -1 दिखता है, मतलब क्या, ए रेज टू -n, मैंने इसमें कुछ बोला था स्मॉल पावर, याद आना चाहिए स्मॉल पावर, अभी देखने का, अच्छा सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कैल्सियम में ए रेस टू -1 डाल सकते हैं, नहीं बच्चा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो चीज याद रखने का, हेंस पॉइंट, ये ना जब तुम 12th स्टैंडर्ड में थे ना, मैं तुम लोग को एक बोलता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट तुम लोग को बोलता हूँ, ये ए इनवर्स का है ना एक अलग ही फॉर्मेट था, चलो मेरे को याद ही नहीं आया कि ए इनवर्स जब 12th स्टैंडर्ड था ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ऐसा इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा कुछ तो बोलते थे, रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स, कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऐसा कुछ तो बोलते थे, अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला था यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ तो था यहाँ पर, जब वो 12th स्टैंडर्ड वाले थे ना उनको ये पता रहेगा, अगर तुम डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले तो तुमको लेना देना नहीं, बट फिलहाल के लिए इतना समझना ए इनवर्स बोलते हैं, तो अगर तुम लोग को टेक्निक चाहिए तो कैली हैमिल्टन एक एप्लीकेशन है जो ए इनवर्स को डायरेक्टली निकालता है, अभी समझो यहाँ पर, चलो मैंने बोला था याद रखने का, पहले सबसे पहले क्या करने का, हैंस का मीनिंग समझो, हैंस मतलब क्या होता है, हैंस का मतलब होता है जो मिल चुका है उसी का यूज कर, समझा, एक बार वापस रिपीट कर मेरे साथ, जो मिल चुका है उसी का यूज कर, तो तेरे को अभी तक सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला और कुछ नहीं मिला, सर प्रूफ किया, वो प्रूफ को मैंने नहीं मिला, मिला नहीं हो ऑलरेडी है, तेरे को मिला सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नाउ व्हाट स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं 2.8:2, मैंने बोला था स्मॉल पावर, स्मॉल पावर इसमें से कौन सा है, 8:3 बोल, 8:2, 8:1, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है बोल, a^0, समझता है स्मॉल पावर ये है, समझता है, चलो इसको छेड़खानी करना है, समझ रहा मैंने क्या बोला, इसको छेड़खानी कर, इसको a^-1 माना, कैसे करेगा, इसको a^-1 माना, या ही मतलब समझता है ना वन होता है, इसको a^-1 मानने के लिए मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a^-1 से, डेट्स इट, तो एक चीज में तुमको एक चीज बोलता हूँ, अगर तू इसको अकेला करता है तो इसका मतलब तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अकेले नहीं कर सकता भाई, तेरे को करना पड़ेगा एंटायर LHS, entire RHS में करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट,
ए रेज टू माइनस वन। चल इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होता है, अगर तुम लोग का मैथ्स कच्चा है तो देखो, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया -5, ए स्क्वायर है इसको ए रेज टू माइनस वन ना +7, ए दिखा ए रेज टू माइनस वन, आगे -3, ए रेज टू माइनस वन इंटू आई। अब मेरे को सिर्फ ये बोल, ए दिख गया, आई का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, तो उसको उड़ा डाल। समझ रहा मैंने क्या बोला? जब रिक्वायर है तो ले, वो आई क्या एक लेबर है यार, जरूरत पड़ा तो ले, अदरवाइज उसको फेंक दे, काम लगा तो ले उसको, बस इतना क्लियर रखने का ना। तेरे को फाइंड आउट क्या करना है, ए रेज टू माइनस वन उसको उधर फेंक, वापस बोल ए रेज टू माइनस वन चाहिए उसको उधर फेंक। तो यहाँ पर अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 होएगा बरोबर है, ये -5। ये कैसा करते हो सर, पावर को ऐड करने का, समझता है पावर को ऐड करने का। एक बार मेरे को ये देखो, एक बार अपने आंखों से देखो, अब मेरे को इसका आंसर बताने फास्ट, आंसर बोल इसका, देख के बोल इसका आंसर। देख ए रेज टू क्या किया, पावर को ऐड किया, इसका आंसर क्या आएगा, ए रेज टू 2। ऐसा सोचते तुम लोग, गलत हो गया, नोटेशन देखना चाहिए यार। ये बीच में मैंने मल्टीप्लाई डाला, इधर प्लस डाला, ये प्लस आता तो ऐड नहीं होता, इतना चीज क्लियर रखने का। हमारा बेसिक वीक से इसलिए मैंने बताया, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई है इसलिए पावर बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड करते हैं, ये प्लस है इसमें कुछ फंडा नहीं होता है, इतना क्लियर रखना है ना। आगे इधर आओ वापस, इसका क्या सीन है, ए रेज टू 2 ए रेज टू माइनस वन ना, वॉट ये ए रेज टू 1 बचा, कैसा 2 माइनस 1 हाँ या ना, लेकिन वो 1 नहीं दिखाते हम लोग, बरोबर है ना। चल आगे बात करेगा तो +7, इसका क्या सीन है, ए रेज टू वॉट बोल, आगे ए रेज टू वॉट, यहाँ पर ए रेज टू 0 बरोबर है, माइनस वॉट 3 ए रेज टू माइनस 1। एक काम करता हूँ मैं उसको उधर फेंक देता, तो क्या हो जाएगा 3 ए रेज टू माइनस 1। आगे आगे थोड़ा, यहाँ पर ए रेज टू 0 इज वॉट 1। मेरे को बोल लेबर को बुलाना है या नहीं बुलाना है, देख पूरा एंटर में लेबर को बुलाना है, हाँ किधर बुलाना है, इधर 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 ना, इतना क्लियर रखने का, सीख रहे हो, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है अपना। यहाँ पर ए रेज टू माइनस वन निकालने के लिए मेरे हिसाब से तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए, कैलसी उठा और मैट ए इंटू मैट ए डाल, -5 मैट ए डाल, +7 मैट बी डाल, समझा मैंने क्या बोला, कैलसी उठा डायरेक्टली मेरे को आंसर आ चाहिए, एज इट इज कैलसी में डालेगा डायरेक्टली तुम लोग कैसे करने का, मैंने बोला कैलसी उठा मैट ए इंटू मैट ए, आगे -5 मैट ए +7 मैट बी। नाउ तुम लोग पहले इसको सॉल्व करो तो फिर हम लोग को जो मिलेगा 3 ए इनवर्स मिलेगा, नॉट अ ए इनवर्स, समझ रहा, हम लोग 3 ए इनवर्स, तुम लोग पहले कैलसी में सॉल्व करो फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं। नाउ गाइस तुमने सॉल्व किया रहेगा तो मेरे हिसाब से आई होप कि तुम लोग को ये मिला रहेगा, बोलो कैसा, मैट ए इंटू मैट ए, -5 मैट ए, +7 इंटू मैट बी, मैट बी के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी स्टोर करके रखा, वापस नहीं करने का, समझ रहा। अगर तुमको एरर आता है, मैं चीज बोल रहा हूँ यहाँ पर कमेंट करने से पहले ये चीज समझ लो, अगर एरर आता है इसका मतलब डेटा मिसिंग है, तो क्या करने का, Shift 4 दबा के एक बार चेक करो, ए का डेटा मिसिंग है या बी का डेटा मिसिंग है, वापस फिल करने का, सेम प्रोसीजर डालने का, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना। आगे वापस ये समझा, ये सॉल्व किया, सर जी हम लोग को 3 ए इनवर्स मिला, मैं क्या बोलता हूँ, ये 3 दिखता है इसको फेक, 1/3 लिख सकता है, समझता है, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, अभी तुम लोग बोलेगा डिवाइड ऐसा लिख, अरे ऐसा लिखने से अच्छा है ये गंदा दिखता है इसलिए मैंने 1/3 बोला, अभी तेरे को 1/3 अंदर फेंकने का, फेंक सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है, ये ए इनवर्स मिला, क्लियर रख लो मैंने जो बोला ए इनवर्स मिला। नाउ ये क्वेश्चन अपना क्लियर होता है, नाउ ए रेज टू 4 इसी में क्लियर कर लो यार, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, अलग सम्स लेने से अच्छा। नाउ स्टेप 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने चेंज किया, अब मुझे सिर्फ थोड़ा यहाँ पर मैंने बोला ए रेज टू एन है तो स्मॉल पावर की जगह पे क्या आएगा, क्या लिखा था, लार्ज या ग्रेटर, कुछ तो लिखा था मैंने, ग्रेटर पावर लिखा था। चलो आगे आगे बोलो, यहाँ पर किसको छेड़खानी करने का, इसमें से इसको 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 लार्ज पावर कौन सा है, ये ना, इसको छेड़खानी कर, समझता है, लार्ज पावर लिख देता हूं, तो मेरे को बता ए रेज टू 4 कैसा बनेगा, ये सोच सोच ये कैसा बनेगा, अभी थोड़ा यहाँ पर क्लियर रख लो, दिमाग लगाना थोड़ा, जो है उसी का यूज करो, ए रेज टू 4 कैसा बनेगा, मल्टीप्लाई बाय ए करूँ तो यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाय ए, तो इसका सीन क्या होता है, ए रेज टू 4 इसका सीन है -5 ए रेज टू व्हाट 3 +7 ए रेज टू व्हाट स्क्वेयर -3 आई ए इज इक्वल टू 0। आई का रिक्वायरमेंट है, देख ए दिखता है तो आई का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना क्लियर है, तेरे को फाइंड आउट करना ये, तो बाकी सब उधर फेंक, ए रेज टू 4 इज इक्वल टू 5 ए रेज टू 3 +7 ए स्क्वेयर -3 ए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बरोबर है, यहाँ पर ये अच्छा उसको इधर फेंका तो यहाँ पर ये माइनस ये हो गया 3, यहाँ पर माइनस ये हो गया प्लस बरोबर है। कैलसी में क्या करोगे, 5 मैटे इंटू मैटे इंटू मैटे -7 मैटे इंटू मैटे +3 मैटे, तुम लोग को जो मिलेगा आंसर यहाँ पर पहले आप खुद से वेरीफाई करो, समझ रहा है, जो आंसर आएगा उसको और एक वेरीफाई करने का वे क्या है, तेरे को ए रेज टू 4 निकालना है तो कैलसी में डायरेक्टली मैटे इंटू मैटे इंटू मैटे इंटू मैटे 4 बार डालना, तेरे को ए रेज टू 4 मतलब वेरीफाई करने का टेक्निक भी मालूम पड़ रहा है तेरे को, हाँ या ना। चल आगे बात कर, समझता है, ये करोगे तो मिलेगा कुछ आंसर, या फिर ए मैटे इंटू मैटे इंटू मैटे इंटू
मैट है, इतना क्लियर होता है। पहले आप काम करो, पहले आप कैलसी में खुद से ट्राई करो, फिर मैं आंसर वेरीफाई कर लो। नाउ गाइस, ए रेस टू फोर सीन मैंने क्या बोला, ये आंसर है, तुम लोग मैच करो ये आंसर आ रहा है या नहीं, समझ रहे कैसा करने का, ये चीज क्लियर हो गया, वेरीफाई भी कैसे करने का ये भी क्लियर हो गया। नाउ ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया ए रेस टू फोर का, बोल क्लियर होता है हाँ या ना? मेरे को मालूम है मेरा वीडियो लॉन्ग बन रहा है, लेकिन तभी भी ट्राई करो यार, थोड़ा टॉलरेट करो। मुझे मालूम है अगर इसी चीज पे मैं अगर कुछ प्रैंक वीडियो बनाता तो 3 घंटे का तुम लोग डायरेक्टली देख सकते हो वन टेक में, बट क्या यहाँ पर समझो इसके लिए भी लगता है कुछ एफर्ट लगता है, समझ रहे, इसमें ज्यादा एफर्ट लगता है मेरे हिसाब से। चलो लेकिन लेट इट बी, फिलहाल ये तुम लोग को समझ गया। ना मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड ए रेस टू 8, जो क्या होता है गेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आप भी लिख देता हूँ गेट में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ये होता है। अभी तुम लोग सोचो ये कैलसी है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, मैट इंटू मैट 8 बार करेगा, -5 ए रेस टू 7 मैट इंटू मैट इंटू मैट 7 बार करेगा, +7 कितने बार, 6 बार करेगा, ऐसा कर करके इधर कहा तो मैट बी भी आने वाला दिख रहा है, क्लियर रख लो। तो यहाँ पर एक चीज करो, तो कैली हैमिल्टन इसीलिए पिक्चर में आया कि ये जो बंदा गंदा वाला इक्वेशन दिख रहा है ना उसको छोटा कर देने का, क्लियर होता है। पहले ये आप कॉपी कर लिए रहेंगे, तो हम लोग अभी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन 3 का टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे जम करते हैं। नाउ गाइस स्टेप 3 का टाइप 3, ऐसा कुछ तो लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, देखो नाम में काम आ रहा है लॉन्ग आया तो लॉन्ग डिवीजन मैटर, इतना क्लियर रखने का। नाउ करना क्या है सर जी, वी हैव व्हाट, अपने को ये फाइंड आउट करना है वी हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोल यस और नो, आगे बात करें। यहाँ पर ये दिखता है, ये पूरा एज इट इज जो दिखता है ना बड़ा इक्वेशन उसको अंदर लिख, छोटा इक्वेशन को इधर लिख, एक बार वापस रीड कर मेरे साथ, मैंने बोला बड़ा इक्वेशन को अंदर लिख छोटे इक्वेशन को बाहर, छोटा मतलब कौन होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, याद करो मेरा टेलर एंड लॉरेन का सीरीज का एग्जांपल, मैंने इसमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्सप्लेन कर चुका है, अभी नहीं आता तो अभी ठीक है देखने की जरूरत नहीं कुछ, इसको मैं देखो जिसको नहीं आता उसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ रेफरेंस, एक बार मेरे साथ रिपीट कर, पहले वाले को मैं नाम देता हूँ रेफरेंस, अभी मेरा सिर्फ सपोर्ट कर यहाँ पर जैसा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आगे ये दिखता पहला बंदा, पहले बंदे को लिख अपॉन में क्या लिखने का, सपोर्टिंग एक्टर, क्या लिखने का सपोर्टिंग मतलब रेफरेंस, रेफरेंस को क्या बोलता है ए रेस टू 3, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आता है ए रेस टू 5, सर ये कैसे आया मुझे नहीं आता, मैं बोलता हूँ एक चीज यहाँ पर देख ए रेस टू 8 लिखा, ए रेस टू पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या होता है माइनस होता है, तो क्या होता है दोनों का बेस कॉमन है ए 8 -3 5, समझता है ए रेस टू 5, तो यहाँ पर क्या है ए रेस टू 5। नाउ क्या करने का, सबको अंदर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने का, चल मल्टीप्लाई कर, ये क्या होता है मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं पहले बोलो, नहीं आता तो ठीक है, यहाँ पर ए रेस टू 3 इंटू ए रेस टू 5 कैसा होता है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या होता है ए रेस टू 8, चलो ए रेस टू 8 आया, आगे -5a² इंटू ए रेस टू 5 क्या होता है -5 एज इट इज, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई आ गया a 7, मतलब -5a² 7, हर बार ऐसा सेम नहीं आता क्या, ये चीज क्लियर रखेंगे। आगे बोल ++7a इंटू वॉट ए रेस टू 5, नाउ वॉट 7a² 6, तो यहाँ पर क्या आएगा +7a² 6 प्लस आ रहा है इसलिए। आगे बात करो यहाँ पर, अभी मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आगे हो गया क्या, नहीं -3i इंटू वॉट ए रेस टू 5, आई हेल्पर है अभी जरूरत नहीं है, -3a² 5 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता है, तो यहाँ पर आएगा -3a² 5, नाउ वॉट इसका क्या करने का, साइन चेंज करते जाने का, साइन क्या होता है इसका प्लस था ना, इसका साइन अभी माइनस है, इसका माइनस है तो इसका प्लस है, इसका प्लस है तो माइनस है, इसका माइनस है तो प्लस है, देखो +a² 8 माइनस, ये कटता है ये भी कटता है, दिखता है ये भी कट रहा है, बाय डिफॉल्ट कट रहा है, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्लियर रखने का, मतलब पूरा कट गया, बचता क्या ये a² 4 जो पिक्चर में आगे आ रहा है -5a² 3, आगे बोलूंगा +8a² -2a+i। नाउ सेम ये पहले वाले बंदे को एज इट इज रख, जैसा ये वाला किया था अभी जो किया था a² 4 अपॉन में क्या देने का रेफरेंस, इसका बोल आंसर बरोबर है, यहाँ पर कैसा किया रहेगा a² 4 इंटू a² -3 डेट इज नथिंग बट a आता है a² 1 a² 1 इज 1, यहाँ पर a क्लियर होता है। नाउ चलो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी डायरेक्टली करो, यहाँ पर कैसे बोला स्टार्ट कर a² 4 एग्जैक्टली, आगे 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 यहाँ पर 5 होने वाला यार, टेंशन मत लो, इसका मल्टीप्लाई करो -5a³, आगे आगे यहाँ पर समझ रहे ना ये +7a² वेरी गुड, आगे ऑन यहाँ पर -3i into a, मेरे को एक चीज बताओ i का रिक्वायरमेंट है नहीं, एग्जैक्टली आगे क्या आएगा -3a, नाउ साइन चेंज कर, साइन चेंज कर, चलो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, यहाँ पर यह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, नाउ आगे बात कर, ये कटा इसका क्या सीन है, ए स्क्वेयर बचा -2a + 3a, तो ये प्लस ए बचा, आगे क्या बचा i, क्लियर होता है यहाँ पर।
आगे यहाँ पर अभी क्या करने का, ए स्क्वेयर फिर से पहला वाला बंदा को टच कर, पहले वाले बंदे को टच किया, अपॉन में रेफरेंस ए रेस टू थ्री, यहाँ पर आंसर क्या है वो बोलो, ए रेस टू थ्री। अब मेरे को सिर्फ एक चीज बोलेगा, डिनोमीटर का पावर बड़ा हो गया, जैसे ही तुम लोग को मालूम पड़ा कि डिनोमीटर का डिग्री बड़ा हो गया उस टाइम पे रुक जाना। वापस एक बार मेरे साथ रिपीट कर, जैसे ही मालूम पड़ा अपने को कि डिनोमीटर का डिग्री बड़ा हुआ उस टाइम पे स्टॉप होल्ड हो जाने का। तो यहाँ पर नहीं समझता तो यहाँ पर क्लियर रख लो, देखो इसका सॉल्व करके तो ए रेस टू टू ए रेस टू माइनस थ्री दैट इज नथिंग बट ए रेस टू माइनस वन। मैं अल्टरनेटिव में बोलना चाहूँ तो अगर जैसी पावर तेरा आंसर नेगेटिव पावर में आता है तो उस टाइम पे रुक जाना, समझता है। यहाँ पर एक बार वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करने का, मैंने बोला जैसे ही नेगेटिव पावर आया तो क्या करने का, रुक जाने का, अदरवाइज क्या करने का, ये पहला वाला मैटर याद करो, डिनोमीटर का डिग्री बड़ा हुआ ना उधर ही रुकने का, क्लियर होता है। हाँ चलो अभी करना क्या है, इतना मेहनत किया क्यों किया, मेरे को भी नहीं समझे इतना मेहनत क्यों किया, लेकिन अभी तुम लोग को पता चलेगा। मेरे को बचपन में सिखाई थी मेरी मैडम ने, तुम लोग की मैडम सिखाई या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरी मैडम सिखाती थी और मेरे को इसके लिए दो पट्टी मारी थी, एक इधर एक इधर, समझ रहे हैं। यहाँ पर कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये बोलो मत, ये नहीं आता, मैं मार खाया तो मतलब तुम लोग भी मार खाया रहेगा, मैं भी नहीं मार खाया रहे, तुम लोग अभी स्मार्ट है शायद थोड़ा बहुत। तो डिवाइजर किसको, डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, ये दिखता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। एक बार मेरे साथ रिपीट करने का, मेरे को मालूम है तुम लोग का डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले का लेवल के, इसको डिविडेंड, क्वेश्चन डिवाइजर, रिमाइंडर, समझता है हाँ या ना। चलो एक काम करो, रिमाइंडर लिखा, इसको क्या बोल रहा हूं, इसको लिखने का इसको डिविडेंड, इसको बोलता हूं, अभी ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन तभी भी क्या होता है ना अपना लेवल मालूम है अपने को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, बरोबर है। पहले काम करो ये कॉपी कर लो, 3F फॉर्मूला लिखो, हम लोग इसको फिलअप करने वाले हैं ना गाइस। अभी यहां पर मैंने क्या लिखा है, द इक्वेशन रिड्यूस टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इतना क्लियर होना चाहिए रिमाइंडर, हाँ स्पेलिंग का मिस्टेक से लेकिन तुम लोग समझना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस करो, बस तुम लोग को बता दिया डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये डिविडेंड क्या है मालूम है, इतना बड़ा जो निबंध दिख रहा है ये निबंध, समझ रहे, इसको मैं निबंध बोल दिया। अभी तुम लोग एक चीज समझना, इतना लिखूंगा नहीं यार, ये इंक जाता है, एक तो कंजूस मारवाड़ी वाला है, समझ रहा मेरा दोस्त, तो देता नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, स्टिल मैं ट्राई करूंगा दूसरी बार लिखने के लिए ना। बट वॉट, अरे कैली हैमिल्टन ने बोला ना एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसको तो जीरो है, अरे नहीं भरोसा ये देख, नहीं भरोसा ना मेरे पे ये देख, तुमने ही तो प्रूव किया, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही तो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है जीरो, अच्छा ये जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट जीरो, बचा क्या ये, इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब समझो कि जो इतना बड़ा निबंध है ना ये समझता है, ये इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ये सिर्फ बचा, समझ रहा है मैंने क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कैली हैमिल्टन ये बोला इतना बड़ा इक्वेशन को इतने छोटू सा में करेगा, तो देख इतने बड़े को इतना छोटू सा करेगा, समझ रहा है। तो यहाँ पर अरे कैल्सी है ना, मैटे इंटू मैटे प्लस मैटे प्लस आई, या फिर तुम लोग कैल्सी में तुम लोग ये करो, मैटे इंटू मैटे प्लस मैटे प्लस मैट भी, तुम लोग को ये मिलेगा, अच्छा ये जो मिला थ्री इंटू थ्री, इतना क्लियर होगा नाउ डैट सीट, ये तुम लोग को यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स के लिए आ गए, पहले बताना चाहिए था लास्ट में बता रहा हूँ लेकिन क्लियर रखो। अच्छा नाउ व्हाट सर, हो गया हम लोग गेट एस्पिरेंट है बट हम लोग का यूज किया, मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ गेट वाले क्या पर, कल के दिन अभी ये सी जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हुआ था ना उसमें क्या आया था मालूम, समझो एक ऐसे कुछ तो आया था, यहाँ पर मुझे बोला गया था द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज गिवन बाय, और मैट्रिक्स था 2x2 का, क्या 2x2 का था मैट्रिक्स, या सपोज मैंने बोला 3x3 का ले रहे, चल मैं और लेवल इंक्रीज कर, मैंने बोला 3x3 का ये मैट्रिक्स दिया, मैंने बोला कि ये फाइंड आउट करके दे, और ऑप्शन में क्या दिया मालूम है, ऑप्शन में सपोज यहाँ पर दिया है ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 3i, ऐसा कुछ तो दिया है, तुम लोग मेरे को बोलना ऑप्शन क्या राइट रहेगा, अगर इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो तो तुम लोग मेरे को बताना ये दोनों में से ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, तुम लोग बोलने का कि सर ये एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, यहाँ पर ए रेशियो माइनस 1 नहीं दिया, ए रेशियो 4 नहीं, मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट बता, बस इसका इक्विवेलेंट समझता है, इसका इक्विवेलेंट क्या होएगा, अरे सर जी क्या करने का मेरे को मालूम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल, जो ये मिलेगा ये दोनों का लॉन्ग डिवीजन मेथड ले, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद तेरे को ये मिलता है तो आंसर विल बी दिस वन, बोल हाँ, मेरा बोलने का मतलब ये करने में तुम लोग को हार्डली 2 मिनट लगेगा, हाँ क्या ये करने में हार्डली 2 मिनट लगेगा, इतना क्लियर रख लो, इसलिए जब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देते हो तो तुम लोग का टारगेट रहता है 1 मिनट में एक तो होना चाहिए, 60 सेकंड में समझ रहे, एक सम होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ना,
120 आ रहे, अपने को नहीं आता तो 2 मिनट में कर, लेकिन समझना चाहिए कि यहाँ पर कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैली हैमिल्टन पे है हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर ए रेस टू माइनस वन हो गया, ए रेस टू फोर हो गया। मैं तुम लोगों को एक टिप देता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैंने ए रेस टू माइनस टू लिखा रहता तो तू क्या करता है, एक बार वापस रिपीट करना, मेरे लिए थोड़ा छोटा सा डाउट है। यहाँ पर ए रेस टू माइनस एन वाला है, ए रेस टू माइनस एन मतलब छोटे वाले पावर को तू टच करेगा, छोटे वाले पावर मतलब ए क्या था, आई रहा मल्टीप्लाई बाय बोथ द साइड बाय ए रेस टू माइनस टू, बोल हाँ, बोल ऐसे मुंह से बोल हाँ। तो यहाँ पर लेकिन तुम लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ, ए रेस टू माइनस टू को अगेन, यहाँ पर ए रेस टू टू को ए रेस टू माइनस वन, ए रेस टू माइनस वन लिख सकता है क्या तू? इजी ना, ए रेस टू माइनस वन का तो पहले तेरे को डेटा मिल चुका था, इसको मैट्रिक्स सी में डाल, मैट सी इंटू मैट सी डाल के ए रेस टू माइनस टू हो जाएगा ना रे काम तेरा। मेरा बोलने का मतलब समझना चाहिए तुम लोग का, कि अभी तुम लोग बच्चा नहीं है, तुम लोग को इतना 1 घंटे से सिखा रहा हूँ, तुम लोग को समझना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहा है? तो यहाँ पर अपना क्या होता है, कैली हैमिल्टन खत्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मालूम है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो कैली हैमिल्टन, उसके बाद दुनिया भर का आता है, डेरोगेटरी डायगोनलाइजेबल वॉट एवर। तो इतना क्लियर रखने का, ये हम लोग का कैली हैमिल्टन ओवर हो गया। अभी सिर्फ मेरे से एक चीज़ है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि यूनिवर्सिटी में हो तभी भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर तुम गेट के प्रिपेयर कर रहे हो तभी भी ये यूजफुल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलेगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।